मौसम समाचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मौसम को लेकर देश भर से आ रही है बड़ी खबर। कहाँ होगी बारिश, कहाँ आएगी तेज आंधी, कहाँ तेज गर्मी होगी, आज की वीडियो में जानेंगे विस्तार से। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देश में इन दिनों राजधानी दिल्ली समेत मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिला है। आपको बता दें, बीते दिन पहाड़ी क्षेत्रों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने चक्रवात के कारण मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम में बदलाव देखने को मिला है। इसके साथ ही देश के कई राज्यों में अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक पहुँच गया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में आज पूरे दिन बादल छाए रहेंगे और उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश होने के संकेत मौसम विभाग ने दिए हैं। उत्तर प्रदेश के लगभग 45 से 55 जिला में बारिश हो सकती है। आपको बता दें, दिल्ली में भी बारिश हो सकती है, हरियाणा पंजाब में भी बादल छाएंगे और बारिश हो सकती है। राजधानी में इतना दर्ज किया गया तापमान। अगर बात करें तापमान की, तो दिल्ली की बात करें तो आज 15 मार्च 16 मार्च को तापमान 18 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री दर्ज किया गया है। IMD के अनुसार गुरुग्राम, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा, नोएडा और दक्षिण दिल्ली के आसपास के इलाकों में गरज के साथ बहुत हल्की या मध्यम बारिश होने की उम्मीद जताई है मौसम विभाग ने। आपको बता दें, मौसम विभाग के अनुसार 20 मार्च को तेज बारिश हो सकती है, जबकि इसके आसपास के जिले में भी तेज बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ कुछ राज्यों में बारिश के साथ ओले गिरने की भी संभावना है। वहीं 16, 17, 18, 19 मार्च को तेज बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं उत्तर प्रदेश में। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर, बिहार और जम्मू कश्मीर के साथ साथ उसके आसपास के राज्यों में भी भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भी तेज बारिश और तेज बर्फबारी हो सकती है। अगले 5 दिनों तक ये बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आपको बता दें, मार्च के आखिरी सप्ताह तक कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। आने वाले दिनों में दिल्ली में तेज गर्मी पड़ सकती है और ये बारिश मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु में भी होगी। आपको बता दें, हल्की बारिश और मौसम सुहाना बना रहेगा। 16, 17, 18 मार्च को तेज बारिश उत्तर प्रदेश में हो सकती है। उत्तर प्रदेश में कल भी तेज बारिश और तेज हवा चलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसके कारण उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और बलूचिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है और इससे किसान भाइयों को गेहूं की फसल में नुकसान हो सकता है। आपको बता दें, अगले 24 घंटे के दौरान गरज चमक के साथ असम, सिक्किम में बारिश हो सकती है। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, तो लखनऊ में भी न्यूनतम तापमान 18 और अधिकतम तापमान 34 डिग्री दर्ज किया जा सकता है और लखनऊ के आसपास के सभी जिलों में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश और तेज आंधी होने के संकेत मौसम विभाग ने दिए हैं। ये मौसम समाचार आज के हैं। रोजाना मौसम की ताज़ा जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।